कमांड सब में सेम ही लगेंगी, ये रहा बुशर्स। कोई नहीं, चलिए पुट्टी यूज करते हैं। क्या कहते हैं, मेरे पे बोर्ड है vs.sp35851। चलिए इसकी EMMC का बैकअप लेते हैं via पुट्टी। मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने मदरबोर्ड को PC से। चलिए पुट्टी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। ये मैंने पुट्टी को कर दिया रन। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसमें सेटिंग को करेंगे। सेटिंग करने के लिए सीरियल पे जाएंगे और अपना कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरा है कॉम पोर्ट 4, मैंने ये कॉम पोर्ट 4 कर दिया। चलिए अब बड रेट सेट करते हैं। स्पीड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वो बड रेट 11, इस बोर्ड का बड रेट है 11 5200। करने के बाद इसको कर देते हैं ओपन। ये अपना पुट्टी ऑन हो चुका है। चलिए सबसे पहले पुट्टी से एक बार सीरियल प्रिंट को निकाल लेते हैं मदरबोर्ड के, उसमें मदरबोर्ड की डिटेल आ जाएगी। ये मैंने मदरबोर्ड को पावर ऑन कर रहा हूँ। ये पावर ऑन करते ही सीरियल प्रिंट अपना आ गया है। चलिए अब बोर्ड को कंसोल में लेके जाते हैं, फिर उसकी EMMC का बैकअप लेते हैं। क्या कहते हैं, हम कमांड के थ्रू कई काम करवा सकते हैं। EMMC इरेज, फाइल अपग्रेड, EMMC का बैकअप। चलिए मैं बैकअप लेता हूँ। मैंने मदरबोर्ड में अपने पेन ड्राइव लगा दिया। अब सेट को हम कंसोल में लेकर जाते हैं। अभी सबसे पहले अपने मदरबोर्ड को बंद कर देते हैं और मदरबोर्ड की रेड इंडिकेटर बंद होने तक का वेट करते हैं। तो ये मैंने शट डाउन कर दिया है अपने, ये अभी इसमें रेड इंडिकेटर आ रहा है, ये देख सकते हैं चला गया ये रेड इंडिकेटर। चलिए कंसोल में एंटर होते हैं, कीबोर्ड से एंटर बटन को दबाते हैं और पावर ऑन करते हैं। ये देखिए अपना मदरबोर्ड कंसोल में एंटर हो चुका है। अब इसको क्या कहते हैं, हम इसकी EMMC का बैकअप लेते हैं। 4 GB की EMMC है, तो मैं उसकी कमांड दूंगा। विंटर करूँगा। ये देखिए ये बैकअप चालू हो चुका है। थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 15 या 20 मिनट, और ये बैकअप अपना पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। और वीआईएस बैकअप के हम किसी भी डेड